viewers, today I am going to tell you how does Google work. Here are a few steps which will help to understand how Google search engine work. अब आपको कैसे ये Google काम करता और क्यों हमें SEO किस तरह से हम करते हैंगे कि Google उसको समझता है, उसके लिए हमें Google के सर्च इंजन को समझना बहुत जरूरी है। Google के पास खुद की अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। Google इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है आज आप जान लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो वही रिटर्न करता है जो वो किसी से लेके स्टोर करता है। तो उसमें सबसे पहला आता है वेब पेज, पेजेस जो लोग बनाते हैं वेब पेज, उसकी इंफॉर्मेशन वो उसके पास रहती है। यूजर सबमिटेड कॉन्टेंट सच एज गूगल माई बिजनेस एंड मैप्स, यूजर सबमिशन, लोग अपना सबमिट करते हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन और मैप्स जो सबमिट किए जाते हैं लोगों के, वो सारे सबमिटेड इंफॉर्मेशन ही उसके पास होती है। बुक स्कैनिंग, लोग अपनी बुक पब्लिश करते हैं, पब्लिश बुक की स्कैन उसके पास होती है, सारे बुक की इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। पब्लिक डेटाबेस ऑन द इंटरनेट, अब आप लोग अपना इंफॉर्मेशन जितना गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं, डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं, अपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। उसके अलावा इमेजेस, वीडियोस एंड मैनी अदर सोर्सेज आती है विच गूगल स्टोर इन द सर्वर। तो गूगल की इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? गूगल की इंफॉर्मेशन आपने खुद दी है, जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं वही गूगल उसको स्टोर करता है। गूगल फॉलोज थ्री बेसिक स्टेप टू जनरेट अ रिजल्ट फ्रॉम वेब पेजेस। अब जो इंफॉर्मेशन उसको मिली उसने रिपोजिटरी में अपने स्टोर करके रख लिया और उसको इंडेक्स कर दिया वेब पेजेस के हिसाब से। अब जब इंडेक्स हो गया तो जब आप कोई इंफॉर्मेशन उसको देते हैं तो वो इजीली उसको सर्च करके आपको वापस कर देता है। तो उसका खुद का क्या है? उसका खुद का कुछ नहीं है, वो उसका सब स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन जो आप सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो कैसे सर्च करता है? उसके तीन स्टेप हैं। गूगल सर्च वर्क इज एसेंशियली थ्री स्टेजेस। पहला है क्राउलिंग, जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं गूगल सर्चेज द वेब विद ऑटोमेटेड प्रोग्राम कॉल्ड क्राउलर। उसके पास एक प्रोग्राम है जो आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप टाइप करते हैं उसको वो क्राउल करता है, ब्राउज करता है, सारे जगह ढूंढता है और आपको इंफॉर्मेशन सर्च करके देता है। फिर इंडेक्सिंग होती है। आफ्टर अ पेज इज डिस्कवर्ड गूगल अंडरस्टैंड द डेटा ऑफ द पेज लुकिंग फॉर अ पेजेस दैट आर न्यू और अपडेटेड। अब आप जो कुछ भी देखते हैं वो गूगल जान लेता है, डिस्कवर करता है और उस डेटा को समझ करके वो पेज ढूंढ के आपको वापस ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है। उसको इंडेक्स करा हुआ है उसने, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसकी इंडेक्सिंग कर रखी होगी। इंडेक्सिंग का क्या फ़ायदा होता है कि सर्च जल्दी होता है वो इंफॉर्मेशन, और जैसे ही आप कुछ सर्च करते हैं ढेर सारी लिंक आपके सामने आ जाती है कि ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो इंडेक्स करके गूगल ने रख रखी है वो आपको रिटर्न कर देता है। रैंकिंग, गूगल स्टोर दोज पेज एड्रेसेस और पेज URL इन अ बिग लिस्ट टू लुक एट लेटर। तो वो क्या करता है, वो सारे पेज के एड्रेस और URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो एड्रेसेस होते हैं उसको एक लिस्ट में स्टोर किया रहता है, जिससे कि बाद में कोई अगर इंफॉर्मेशन मांगे तो वो उसको रिटर्न कर दे। तो इस तरह से तीन स्टेप में वो आपके इंफॉर्मेशन लेंगे। पहले वो आपसे इनपुट लेता है, आप जो टाइप करते हैं उसको ढूंढता है, फिर जो इंडेक्स पेज उसने बना रखे हैं उसमें जाकर उसको समझता है कि डेटा क्या है, ऑडियो है, वीडियो है, लिंक है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, जो कुछ भी आप अपने वीडियो की इंफॉर्मेशन देते हैं डिटेल में वो उसके पास सब पहले से स्टोर है,
तो जो स्टोर इंफॉर्मेशन अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपका वीडियो में जल्दी सर्च में आता है, और जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन जो देते हैं जो उसके इंडेक्स में है ही नहीं, तो उसको ढूंढने में और अपडेट करने में और उसका नया पेज बनाने में समय लग जाता है, और जब समय लग जाता है तो आपका सर्च में वीडियो जल्दी नहीं आता है। तो आप वही सर्च करते हैं जो उसके पास ऑलरेडी स्टोर है, तो आपकी इंफॉर्मेशन जल्दी सर्च में आ जाती है, इंडेक्स में आ जाती है, और जब आप कुछ नया देते हैं तो उसके लिए उसको नया पेज बनाना पड़ता है और अपनी लिस्ट में अपडेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी सर्च देर में होती है इंफॉर्मेशन। अब क्राउलर स्पाइडर टेक नोट ऑफ क्या क्या चीज़ लेता है क्राउलर, ऑल द कीवर्ड्स, वेब पेजेस एंड डिस्क्रिप्शन। अब आपके वीडियो में क्या होता है, कीवर्ड होता है, वेब पेज होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और टाइटल होता है। तो टाइटल जो होता है वो मेन होता है जिसमें कीवर्ड अगर आप यूज करते हैं तो टाइटल जल्दी सर्च में आता है। और कहाँ से लेता है उसको, वेब पेजेस से लेता है जिसको उसने स्टोर कर रखा है। और उसका डिस्क्रिप्शन अगर प्रॉपर आपने दिया है तो वो समझता है कि आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो टाइटल तो है ही है, उसमें कीवर्ड भी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ढंग से डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी तो जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो वो टू लर्न योर डेटा सर्च, आपके डेटा को सर्च करता है। दिस वे द गूगल स्पाइडर गोज टू ऑलरेडी विजिटेड पेजेस विच द यूजर हैज़ विजिटेड इन द पास्ट फॉर अ बेटर सर्च रिजल्ट। अगर आपने कभी ढूंढा है कि ये दवा हमको चाहिए, तो वो जान जाता है कि आप इस डिजीज से पीड़ित हैं और उसी डिजीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप हमेशा ढूंढिएगा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप ढूंढिएगा तो वो फट से दे देगा आपकी इन्फॉर्मेशन को। तो स्पाइडर का क्या काम है, वो समझता है कि आप क्या चीज़ ढूंढना चाहते हैं। आप बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, आप अपने रिलेटिव से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आप ढूंढते हैं वो उसमें स्टोर होती है और उसका एक नया पेज बन जाता है आपके अकाउंट में, और जब आप वो ढूंढते हैं तो वो जल्दी मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम देंगे वही पाएंगे। तो नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। अब जब आपने इंफॉर्मेशन दी, उसने सर्च किया, तो उसको एनालाइज करेगा। किस किस बेसिस पे एनालाइज करेगा, कि वो वीडियो है, कि इमेज है, कि कैटलॉग है, कि एम्बेडेड वेब पेज है, कि लिंक है। जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं वो उसको कैटेगराइज कर देता है और उसको एनालाइज करता है कि इस समय आप क्या चीज़ टेक्स्ट ढूंढ रहे हैं, कैटलॉग ढूंढ रहे हैं, बुक ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजट ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो हर टाइप के डेटा जो होता है अलग अलग कैटेगरी का इंडेक्स्ड रहता है, वीडियो अलग, इमेज अलग, कैटलॉग अलग, वेब पेजेस अलग, है ना। तो this process is called indexing. This information is then stored in a Google index, a huge database stored in a computer. अब main server जो होता है वो computer पे उसका ये सारा database repository में, जहाँ पर store होता है इसको repository कहते हैं, वहाँ पर ये सारी information store होती है। तो सीधा सा फंडा है कि जो Google को दोगे वही आपको return करेगा। When the user searches something, the Google then scan through the index pages to give the best result. It give attention to factors. अब किन किन factors पर depend करता है कि वो indexing को किस basis पे search करेगा। पहला है language। आप किस language में काम कर रहे हैं उस basis पे वो information को ढूंढता है। दूसरा है location। आप India में, America में हैं, London में हैं, US में है, कहाँ पाकिस्तान में, कहाँ पे हैं, उस बेसिस पे उसको ढूंढेगा। फिर डिवाइस। डिवाइस में आपका कंप्यूटर, मोबाइल, पैड्स, सारे कुछ जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आते हैं, तो उन बेसिस पे आपके इंफॉर्मेशन को इंडेक्स में सर्च करते हैं। दिस इज हाउ द गूगल वर्क टू गिव द सर्च रिजल्ट आफ्टर गोइंग थ्रू सिंपल येट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इस तरह से हर टाइप में देखिए
कुछ चीजें वो ढूंढता है। पहले क्राउलर में कीवर्ड, टाइटल पेज और डिस्क्रिप्शन ढूंढता है आपके वीडियो का या कोई भी सर्च का। सेकंड में आपका वीडियो, इमेजेस, कैटलॉग, एम्बेडेड ऑन द वेब पेज, इसका कौन कौन से वेब पेज में वीडियो इमेजेस क्या किस कैटेगरी का आपका इंफॉर्मेशन है। पहला है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मेन इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरा है कि किस कैटेगरी का इंफॉर्मेशन है। तीसरा क्या है, लैंग्वेज, लोकेशन और डिवाइस। इन तीन बेसिस पे आपका सर्च होता है। तो आप अगर लैंग्वेज अपनी प्रॉपर नहीं अपने वीडियो में देते हैं और लोकेशन नहीं देते हैं तो वो ढूंढने में इसको दिक्कत होती है। सब लोग कहते हैं लोकेशन ना दो, लेकिन इसमें देखिए दे रहा है कि लोकेशन अगर आप प्रॉपर देते हैं तो आपका जल्दी सर्च करता है। और डिवाइस अगर आप दे देते हैं तो हम लोग में ऑप्शन ही नहीं आता डिवाइस का, लेकिन हम लोग लैंग्वेज और लोकेशन वीडियो में प्रॉपर दे सकते हैं। और कैटेगरी में तो वीडियो रहता ही, हम लोग का इमेजेस, कैटलॉग और प्रॉपर कहाँ से आपने लिया है इंफॉर्मेशन को, और कीवर्ड, टाइटल पेज और डिस्क्रिप्शन प्रॉपर आप दीजिए कि किस वेब पेज से लिया है, क्या कीवर्ड्स है जो आप सर्च कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग में उन कीवर्ड्स को हमें डालना चाहिए। तो इस बेसिस पे हमारा वीडियो जल्दी सर्च में आएगा और हम सिंपल चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में दिखा पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। सर्च रिजल्ट आफ्टर गोइंग थ्रू सिंपल येट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन वो बहुत जल्दी करके आपको इंफॉर्मेशन को दे देता है। सो दिस इज ऑल टू द व्यूअर। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल देन प्लीज सपोर्ट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। गो टू माई कम्युनिटी टू आंसर ऑन माई पोल्स। फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक। Join my Telegram channel and comment on my video and advise me ki how I can improve, or if any query you have then please ask me. Thank you.